अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है यार। एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां, प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में मेड इन पाकिस्तान और बिलीव इन पाकिस्तान के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके साथ एक नई पर्सनैलिटी के साथ आते हैं और हमेशा पाकिस्तान के अच्छे कामों को आपके सामने लाते हैं, मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर्स के अच्छे जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए इकदाम किए होते हैं उनको आपके सामने लेकर आते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है, लाहौर के हवाले से उनकी बहुत ही पहचान और खिदमात है। अगर लाहौर की बात करें, लाहौर की तारीख की बात करें, तो नो डाउट उनका कोई मतबादल और नेमुल बदल नहीं होगा हमारे पास। जी हाँ, मैं मुख्तसर सा तारुफ कराऊंगा उनका, बाकी बातें गपशप में उनके साथ होगी ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में। मेरे साथ मौजूद है मियाँ महमूद रशीद साहब, जो कि पंजाब के मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग है और भी उनके पास डेजिग्नेशन है, और खान साहब के साथ बहुत करीब है, लाहौर की सियासत में बहुत अकार विचार उन्होंने हमेशा किया है, हम जानते हैं। आज इस सफ़र में बाकी बातें उनके साथ करेंगे हम। मियां महमूद रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में। मियां साहब, जैसा कि मैंने अपने तारुफ में बताया कि लाहौर की शान, नो डाउट ये वर्ड आपके लिए बहुत, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और लाहौर की गलियों में खेलने वाला एक लड़का और अराइन फैमिली से तल्लक हो, क्योंकि लाहौर की सियासत और अराइन, ये दो चीज़ें मुख्तलिफ नहीं हो सकती, एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, और इचरी की गलियों में नो डाउट आप पले बढ़े हुए। तो मियाँ साहब, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ही स्टार हैं, रवायती बातें तो आज हटके होगी क्योंकि मेरा प्रोग्राम है ख्वाबों से तबीयत तक, तो लोग जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा, थोड़ा सा माजी में जाइएगा, ये बहुत लंबी जिद्दोजहद है आपके सफ़र की पहले, यानी कि और भी आप जमातों की तरफ से इलेक्शन लड़े, एमपीए बने और फिर फाइनली पीटीआई ज्वाइन की, और पीटीआई में नो डाउट एक आपका बहुत ही इज्जत वाला मुकाम है, सीनियर आप लीडर हैं पीटीआई के, तो थोड़ा सा प्रीवियस माजी के जरोकों में चलते हैं, तो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगा आपको बोलने का ज़्यादा मौका दूँ। बिस्मिल्लाह रहमान भाई, देखिए जैसा कि आपने कहा कि मैं इछरे से, मेरी इब्तदाई तालीम है जूनियर मॉडल स्कूल है इछरा में, एक अच्छा स्कूल था अपने दौर का, वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन अपनी की, उसके बाद गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल वालत कॉलोनी, यहाँ से मैंने मेट्रिकुलेशन किया और मैंने आर्ट्स ग्रुप में मेरा टॉप था यहाँ पे, और इछरे में जो बचपन जिस तरह से रवायती होती हैं शरारतें, अब तो वो माहौल नहीं रहा इस तरह का, बच्चों को घरों से निकलने नहीं देते, लेकिन हमारे ज़माने में आज से कोई 50-60 साल पहले बड़ा एक पूरे पूरे मोहल्ले में लोग, नौजवान लड़के लड़कियां इकट्ठे होके गैदरिंग होती थी, इकट्ठे खेलते भी थे, शरारतें भी होती थी। तो मैंने अपने मेट्रिकुलेशन के बाद मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आ गया, यहाँ से मैंने बीए ऑनर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे फिर मैं इस्लामी बीए तलबा के साथ वाबस्ता हुआ, उनका मैं लाहौर का सेक्रेटरी रहा, लाहौर का सदर रहा, फिर पंजाब का सदर रहा। 78 में मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में। ओके, उसके बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, तो अमली ज़िंदगी के आगाज़ से 83 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा अपने अलामा इकबाल टाउन में, उस वक्त हम शिफ्ट हो गए, ये नया नया बन रहा था, अलामा इकबाल के नाम से मौसूम ये बस्ती थी, और यहाँ पर हमने रचना ब्लॉक में यहाँ घर बनाया, यहाँ से फिर मेरा एक पॉलिटिकल करियर जो है वो शुरू होता है। 83 में मैं यहाँ का बल्दिया का चेयरमैन मुंतखब हुआ अपने यूनियन काउंसिल का, इसी तरह फिर 87 में दोबारा रिपीट हुआ, यहाँ से इलेक्ट हुआ। 88 में मैं उन तीन मेंबर्स में से वाहिद था जो लाहौर से, यहाँ सारे पीपल्स पार्टी जीती थी,
तो एक मैं जीता था, एक अख्तर सूल, एक मियां नवाज शरीफ, जब इस्लामी जमहूरी था शायद जी, तो आईजीआई के प्लेटफॉर्म से वो मुझे टिकट मिला था। उसके बाद फिर 90 में असम्बली टूटी, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, तो फिर मैं वहाँ से इलेक्ट हुआ। और इलेक्ट होने के बाद मैंने यहाँ पर अपने इलाके के अंदर काफ़ी मेरे मुकाबले पे सरफराज नवाज थे क्रिकेटर, जो बहरहाल मैं एक बिल्कुल नौजवान था और वो एक नामवर क्रिकेटर था, मेलबर्न का हीरो और बड़ा उनका टाइटल था, और सिटिंग एमपीए भी थे उस ज़माने में, वो एमपीए थे 85 की असम्बली में। और मुझे याद है कि उन इंतखाबात में जब ऊपर एमएनए आपका लूज कर जाए, 3 दिन के बाद प्रोविंशियल इलेक्शन होता था, तो मेरे साथ ऊपर लियाकत बलोच थे जो लूज कर गए, राजा तारक रहीम जीत गए, 3 दिन के बाद मेरा इलेक्शन था और बड़ा टफ इलेक्शन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने सीट निकाली, 1000 वोटों से मैं जीता। तो ये सिलसिला फिर आगे चलता रहा। फिर जो 90 के इलेक्शन थे उसमें भी मैंने दोबारा इलेक्शन में आया, दोबारा इलेक्शन जीता। 93 के इलेक्शन में जो ये बनी इस्लामिक फ्रंट बन गया जमात इस्लामी की तरफ से, उसमें मैंने लूज़ किया। ज़िंदगी में मैं 8 इलेक्शन लड़ा हूँ, 1 इलेक्शन में लूज़ किया 93। और फिर पीटीआई को ज्वाइन किया मैंने 97 में, 97 से लेके तो फिर ऑलवर्ड्स मेरा ख्याल है पूरा अरसा इमरान खान के साथ ही रहे, कभी बहुत एक्टिव कभी खामोश, लेकिन 2007-08 से फिर भरपूर तरीके से पार्टी की जिम्मेदारियां भी आईं। मैं लाहौर का सदर, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, 3 साल का टारगेट था, और 30 अक्टूबर 2011 को जो मेरा पाकिस्तान वाला जलसा है उसका गेम चेंजर, ऑर्गेनाइजर था उसका, और मैंने बड़ा लो प्रोफाइल में रह के जो मेरे अंदर एक एक्सपीरियंस थी, सलाहियत भी थी, मैंने वो पूरा एक नेटवर्क जो है ना पार्टी का लाहौर के अंदर वो एक जाल बिछाया, और इसमें इमरान खान भी बहुत उन्होंने मेहनत की, छोटी छोटी सभी लोगों ने, पूरी टीम वर्क था, ये मुझे पता है, वो एज अ लीडर उन्होंने कभी हार नहीं महसूस किया कि किसी गली में भी जाना पड़ा, मतलब एक एक किलोमीटर चल के भी जाना पड़ा, वहाँ गए नौजवानों के साथ नीचे बैठे। तो वो एक दौर था जो पार्टी को बनाने के लिए बड़ा एक ज़रूरी था, वो हमने वो नेटवर्क तैयार किया। उस ज़माने में एक दो बाय इलेक्शन हुए, ये ज़हीर अब्बास का इलेक्शन था, ये जून 2010 में हुआ, इसमें भी ये एक सरप्राइज़ था सबके लिए कि इतने ज़्यादा वोट ले लिए पीटीआई ने, और जो पॉलिटिकल जो सर्कल्स थे वो सोचने लगे कि अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो पीटीआई का टिकट हो तो एक अच्छी फाइट जो है वो की जा सके। मियाँ साहब, मैंने पर्सनली आपको देखा, बहुत हम्बल है, और बतौर फिर आप एक नौजवान लीडर भी रहे, स्टूडेंट लीडर भी रहे, और फिर पंजाब के शायद सदर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट यानी कि पीटीआई के, तो आपने पीटीआई क्यों ज्वाइन की, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस वक्त तो ऐसा टाइम था कुछ लोग वापस भी जा रहे थे पीटीआई से। देखिए, आई वॉज दी ओनली एक्स एमपीए, 10-15 साल के लिए मैं अकेला एक्स एमपीए था पीटीआई में, बाकी कोई इलेक्टेड नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही था। और लोगों का ख्याल था कि इमरान खान शायद इक्तदार में जो है ना आने वाला कोई मामला नहीं है, दूर दूर, और मुझे लोग मेरा जोक किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, मेरे कोलीग जो है मैंने एमपीए थे मुख्तलिफ पार्टियों से। लेकिन हम जब इमरान खान को मिल के 2-4 दफ़ा उनसे बात की, तो हमने ये पाया कि ये वो शख्स है जिसकी पोलिटिकल मार्केटिंग नहीं हो रही, नहीं हो रही। ओके। और इनके गिर्द जो लोग हैं वो इनको एज अ सेलिब्रेटरी, वो उनके साथ हैं, उनके फैन हैं, लेकिन सियासी तौर पर अगर इनकी मार्केटिंग की जाए तो ये लिवर ब्रांड का वो मार्क है, ट्रेडमार्क है कि जिसकी कोई मुतबादल नहीं यहाँ पे। यानी मैंने लिवर ब्रदर का इसलिए नाम लिया कि किसी भी बड़े ब्रांड को अगर जब तक उसकी मार्केटिंग ना की जाए तो ब्रांडिंग ने की जाए उसकी, तो ऑब्वियसली वो फिर पॉलिटिकली हमने खान साहब के साथ मिलके, नो डाउट के खान साहब बहुत हार्ड वर्किंग थे, बड़े विजनरी लीडर थे, और मुझे याद पड़ता है जब उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी तो मैंने लाहौर के बाज नोटेबल्स बुजुर्ग और सियासतदान और मुख्तलिफ समाजी शख्सियात को इकट्ठे कर करके इनसे मिलाना, तो मुझे एक दिन कहने लगे मियाँ साहब ये सारे चले हुए कारतूस हैं, ये फेल नस्ल है मेरे और आपकी उम्र की, हमने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, आप मुझे नौजवानों की तरफ ले जाया करो।
मैं जब भी लाहौर आऊँ तो आप मुझे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में मेरे प्रोग्राम रखा करो, वहाँ ले जाया करो। फिर हमने वो पूरा एक प्रोग्राम बनाया, 2-3 यूनिवर्सिटियों में इमरान खान को लेके गए तो शहबाज शरीफ साहब ने पाबंदी लगा दी कि किसी तालीमी अदारे में इमरान खान नहीं आ सकता। उसके बाद हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का रुख किया, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, UMP, लाहौर यूनिवर्सिटी, और यहाँ फिर हज़ारों की तादाद में लड़के लड़कियाँ वो इमरान खान जब लेक्चर देने जाते थे तो वो लोग बड़ा इमरान खान के लिए हर वक्त वेलकम करने के लिए तैयार होते थे। और वो मैं समझता हूँ जो 2-3 साल हमने लाहौर में लगाए हैं, ये 9-10-11, इन 3 सालों में एक मोमेंटम बन गया यूथ के अंदर, ख़ास तौर पर लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर, कि इमरान खान जैसा लीडर जो है ना वो हमें चेंज के लिए असल चीज़ ये था। तो ये सब तो क्या वो ख्वाबों की तबीर जो थी, जो मियां महमूद रशीद साहब जो ख्वाब दिखते थे, वो इमरान खान साहब की शक्ल में, PTI की शक्ल में वो ख्वाबों की तबीर फिर मिली आपको? ख्वाबों की तबीर अभी अधूरी है, वो सफ़र जारी है, वो सफ़र जारी है, और हम नाउमीद और मायूस नहीं हैं। वो एक जो तखयलाती तसवराती और एक ख्वाब होता है वो 100% पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जो चीज़ें हमने सोची थी, देखी थी, जिसके लिए जद्दोजहद की थी, उसके करीब तक तो हम आ गए। लेकिन हुकूमत मिलने के बाद, इक्तदार में आने के बाद ये पता चला कि जो हम बाहर बैठ कर जो बातें सोचते करते थे या जो हालात वो डिफरेंट थे, वो बहुत ही अंदर पेचीदा और डिटीरिएट हो चुका है पूरा सिस्टम। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कोलैप्स हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा निज़ाम था वो कोलैप्स हो चुका है, करप्शन इस कदर सराहियत कर चुकी है हर निचले सतह से लेकर ऊपर तक, और बाकी सारे मामलात भी हैं, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। पिछले 3 सालों में मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो इंतहाई मेहनत करके कुछ बेसिक फैसले जो है वो किए हैं, जिससे मैक्रो लेवल पे हमारी इकोनॉमी उसकी सिमत दुरुस्त हो गई है, और वो कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, वक्ती तौर पे नहीं है, जिसको कोई हुक्मरान भी ये चैलेंज लेने को तैयार नहीं होता था। लेकिन इमरान खान ने ये सारी चीज़ समझी और उसके बाद इस चैलेंज को कबूल किया, जिससे शोर भी उठा, महंगाई की बात भी हुई, बाकी चीज़ें भी आईं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम समझ रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और आइंदा 2 साल हमारी हुकूमत को मिले तो हम इसको टेक ऑफ कर जाएगी, इकॉनमी भी और बाकी चीज़ें भी बहुत बेहतर होगी। चलिए लेट्स सी, ये देखते हैं, 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट है, 3 साल गुजर गए हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी मियाँ साहब, आपको बड़ी अहम पंजाब की मिनिस्ट्री मिली और सीनियर यानी कि एक मिनिस्टर कहलाते हैं आप, और आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से हम बात करते हैं कुछ, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे शॉर्ट सा। ये नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मियाँ महमूद रशीद साहब, और इस वक्त हम एक स्मार्ट सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। उन्होंने पाबंद किया डिपार्टमेंट्स को कि इन टाइमलाइंस के अंदर आपने 45 दिन में 60 डेज के अंदर ये सारी अप्रूवल्स आपने देनी है वन विंडो के नीचे, और जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सकता है डेवलपर को और जो भी लोग आए अपने नक्शों की अप्रूवल के लिए। तो अब इस वक्त हम तकरीबन 10 शहरों में तो ये इस वक्त घर बन रहे हैं, शुरू हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में आज मेरे साथ पंजाब के मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग मियाँ महमूद रशीद साहब हैं। हम जानते हैं उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से उनकी अचीवमेंट्स। जी मियाँ साहब, आपके ऊपर जैसा कि मैंने पहले बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा ये जो आपकी मिनिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब की, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि खान साहब के इससे मतलब बड़े प्रोमिस हैं लोगों को, और लोगों को बड़ी उम्मीद है, जैसे कि 2 साल रह गया, जैसे कि हम बात करें 50 लाख घरों पे और 10 लाख स्पेशली पंजाब के हवाले से, तो वो आप ही के मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, डेवलपमेंट वगैरह सारी, तो उसके ऊपर लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, थोड़ा सा मायूस भी हैं लोग, तो उस पर थोड़ा सा डिटेल बताइएगा आप प्लीज़। देखिए, हाउसिंग का जो खान साहब ने एक काम से वादा किया था, बहुत बड़ा वादा था, मुश्किल वादा था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 70 साल में मुल्क के अंदर कोई हाउसिंग पॉलिसी नहीं थी, कभी भी नहीं हुई बल्कि, और यहाँ अब पिछले 2-3 साल में जो सबसे ज़्यादा काम हुआ वो इस सेक्टर में इस लिहाज से हुआ कि यहाँ मॉर्गेज फाइनेंस बैंकों के अंदर कोई रिवाज नहीं था। पूरी दुनिया में जो एक सिलसिला होता है कि लोग मॉर्गेज लेते हैं घर की और बैंक उन्हें फैसिलिटेट करते हैं,
यहाँ पर फोरक्लोजर लॉज की वजह से जस्टिस इफ्तिखार ने 15 साल पहले लॉज को कालाधन करार दे दिया, और जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा बहुत लोन देते थे उन्होंने भी याद खींच ली कि वो एक शख्स जाके सिविल सूट करता था और 20-20 साल तक बैंक के पेमेंट जो है ना वो रुक जाती थी, और बैंक को ये इख्तियार नहीं था कि वो उसको ऑप्शन करके अपनी रकम रिकवर कर सके। फोरक्लोजर लॉज की बहाली में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाती तौर पर चीफ जस्टिस से मिलकर ये सारा कुछ उनसे रिक्वेस्ट की और वो बहाल हुए। ठीक है, उसके बाद मॉर्गेज फाइनेंस के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया कि आप टोटल जो आप करते हैं कर्ज देते हैं उसका 5% इस सेक्टर के लिए आप महसूस करें, और बैंकों को पाबंद किया कि अगर वो ये कर्ज लेके लोगों को ये नहीं देंगे तो उनको हैवी पेनल्टीज लगेंगी। तो अब ये एक मैं समझता हूँ बड़ा ब्रेक थ्रू है कि अब आपने बैंकों के अंदर पिछले कई महीनों से इश्तहार देखे होंगे, मुख्तलिफ बैंक इश्तहार दे रहे हैं कि मेरा घर अपना घर आप लें जी आके हमसे लोन लें। तो एक तो ये ब्रेक थ्रू है, 50 लाख घरों का ये मतलब जो लोग लेते हैं ना कि हम खुद बनाएगी हुकूमत, ये कतई नहीं है। हमारा गवर्नमेंट का काम है इस तरह का अनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देना कि आज खुद लोग इसमें आए। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन पैकेज हमने इतना अट्रैक्टिव दिया कि इसके अंदर जो भी आएगा कंस्ट्रक्शन के लिए या हाउसिंग के अंदर आएगा उसको 90% तक उसका इनकम टैक्स जो है ना उसको वेव कर दिया, कई फैसिलिटीज दी, और अब माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इस वक्त लाखों की तादाद में प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी घर शुरू हैं। फिर हमने ईज ऑफ बिजनेस में अपनी जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके कवानीन को आसान किया, नक्शों की अप्रूवल, स्कीमों की अप्रूवल, वो बहुत अच्छा इकदाम था। तो ये LDA की सतह पर भी और बाकी तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर कि उन्होंने पाबंद किया डिपार्टमेंट्स को कि इन टाइमलाइंस के अंदर आपने 45 दिन में 60 डेज के अंदर ये सारी अप्रूवल्स आपने देनी है वन विंडो के नीचे, और जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सकता है डेवलपर को और जो भी लोग आए अपने नक्शों की अप्रूवल के लिए। तो अब इस वक्त हम तकरीबन 10 शहरों में तो ये इस वक्त घर बन रहे हैं, शुरू हैं, जिसमें से 35,000 घर यहाँ LDA बना रहा है, 4,000 का उसमें अर्थ ब्रेकिंग जी प्राइम मिनिस्टर साहब आके उसका इफ्तिताह कर गए थे। इसी तरह हमारे रिनाला में, लोधरा में, लैया में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, यहाँ ये घर मुख्तलिफ मराहल के अंदर हैं जो वहाँ पे स्टार्ट हैं। तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक तकरीबन 50 लाख घर जो है ना वो कम्प्लीट होने के तरीके 50 लाख 50,000 ओके 50,000 ठीक है जी। तो हमारे इस कन्योर के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि लाखों घर जो है वो हम तमीर कर पाएंगे। हम 2-3 तरीके से इसके अंदर काम कर रहे हैं, एक तो NEFDA नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो ओवरऑल इस सब को लुक आफ्टर करती है। 3 लाख रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं हर उस शख्स को जिसके घर की मालियत 30 लाख या उससे कम की होगी। ओके 3 लाख रुपया गवर्नमेंट देगी इंटरेस्ट, और 3% पे उसको बैंक जो है वो लोन दे रहे हैं, जो तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जो 17-18% था वो 3% पे आ गया, ताकि हर आदमी जो है वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सके। तो ये हमने किया। फिर अखुवत के ज़रिए से हमने 1 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया और 5 बिलियन जो है फेडरल गवर्नमेंट ने दिया कि ऐसे लोग जिनके पास अपने ज़मीनों के टुकड़े हैं 2 मरला 3 मरला 5 मरला तक ज़मीन उसके पास है, वो आए और वो अखुवत जो है गवर्नमेंट से पैसे ले कर वो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अपनी खिदमात उसने पेश की हुई या गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है पंजाब लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी। इस वक्त तक 12,000 यूनिट वो मुकम्मल कर चुके हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास ज़मीन अपनी है पैसे नहीं है वो इंटरेस्ट फ्री लोन उन्हें देते हैं, ठीक है, 5 से 10 लाख तक। हम उनका अपने तरीके का जी वो 5 से 10 लाख तक वो एक बंदा ले के जगह उसके पास हो तो उसके लिए आसानी होती है वो बना ले, फिर इंक्रीमेंटल उसमें इजाफा करता जाए बाद। तो मैं ये समझता हूँ इसी तरह पैरी अर्बन में पंजाब की 136 तहसीलों के अंदर हमने 10 तहसीलों में अब शुरू किया हुआ है, वज़ीर आज़म उसका इफ्तिताह कर चुके हैं, पैरी अर्बन में 10,000 यूनिट वो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। फाटा है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, उसके तहत मैंने आपको ये शहर गिनवाए जो रिनाला लैया और चिश्तियाँ, तो यहाँ पत्तों की सियालकोट, यहाँ पर हम उनके
زیر اہتمام فاٹا کے تحت یہاں پر گھر بنانے جا رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ پہلے جو بنیادی مسئلہ تھا مارٹگیج فائنانس کا, پالیسیز کا, اب گورنمنٹ کی طرف سے جب ایک کنسٹرکشن پیکج بھی آیا ہے, انسینٹیوز دیے گئے ہیں ڈیولپرز کو, عام آدمیوں کے لیے سہولیات دی ہیں, تو اب بڑی تیزی سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ دو سالوں میں یہاں کافی بڑی تعداد میں گھر جو ہے وہ بنے ہوئے آپ کو. سیاسی وابستگی کے علاوہ لوگوں کو ملے گی ٹریفک دینے کی؟ آف کورس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بالکل بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ آپ ایم این اے ایم پی اے اور اپنے لوگوں کے ذریعے کریں. اس کی بڑی زندہ اور روشن مثال جو ہے وہ احساس تو ہوا کہ انہوں نے نادرا کے اوپر سے ڈیٹا اٹھایا اور وہ جو بھی اس کے کرائیٹیریا کے اندر آتا تھا, خواہ وہ کسی پارٹی کا بھی ہے, ان سب کو گھر بیٹھے بٹھائے سب کچھ ملا. تو اب بھی یہ جو ہاؤسنگ ہے اس میں کوئی کوٹا نہیں ہے کسی کا بھی. یہ آپ بیلٹنگ کے ذریعے سے لیں گے, خواہ کوئی بندہ بھی ہے وہ اپلائی کرے اور بیلٹ میں اس کا نام آ گیا تو اس کو وہ گھر مل جائے گا. یہ سب اصل چیز تھا. میں نے دیکھا خان صاحب نے تو ہمیشہ اس چیز کو ایجوکیٹ بھی کیا اور مارکیٹ بھی کی ہے اور بینکس کو بھی اس کے اوپر کافی حد تک انہوں نے باؤنڈ کیا ہے کہ بھی آپ لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں. اصل چیز یہ پروڈکٹ میرے اپنے حساب میں اتنا مارکیٹ نہیں ہو رہی. عام بندہ جو عام جس کو ضرورت ہے باقی ایک چھوٹے یونٹ کی, تین مرلہ یونٹ یا دو مرلہ یا پانچ مرلہ یونٹ کی, اس تک وہ رسائی نہیں ہے. یعنی کہ اس کو یہ بھی پروسیس نہیں پتا کہ مجھے بینک کو ڈیل کیسے کرنا. تو اس کے لیے کوئی آپ کی منسٹری کی طرف سے دیکھیں, اس میں ہم نے بینکوں کو اس کا جو شارٹ لسٹ کر دیا ہے, جو پہلے بینک تھا کہ کسی بندے کا بینک اکاؤنٹ ہو, اس کے پاس کوئی بینک اسٹیٹمنٹ گارنٹی ہو, اس کے اندر چیزیں ہوں, تو اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی, ایک ریڑھی والا, ایک چھابڑی والا, ایک مزدور, وہ بھی اس نیٹ میں آ سکے اور وہ قرضہ لے سکے. اس کے لیے بھی ایک نیا ہم طریقہ بنا رہے ہیں کہ جو بھی ورکنگ ہے اس کی جو انکم ڈیلی کی, اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, بزنس رجسٹرڈ نہیں بھی ہے, تو اس کو بھی ہم اس کے انٹائٹلمنٹ کریں. ٹھیک ہے, یعنی وہ بھی یہ قرضہ اور اس سے استفادہ وہ کر سکتا ہے, لے سکتا ہے, لون لے سکتا ہے. وہ اس میں بینکوں کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ابھی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہے, ریزرویشنز بھی وہ بھی ریلکٹنٹ ہیں. بالکل, اور یہ چونکہ ایک نئی چیز بھی ہے تو اسے تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن ہمارا جو اصل جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو پورسٹ آف دی پور آف دا پورس, جو وسائل والے لوگ ہیں وہ تو مارکیٹ سے جو چاہیں جب چاہیں وہ خرید سکتے ہیں, تو گورنمنٹ کا بھی یہ خیال ہے کہ انہیں لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے کہ جو پہلے سے ڈپرائیو رہے ہیں, انہیں چھت کی فراہمی کے سلسلے میں جو جو کچھ بھی ہو سکتا ہے انہیں فیسلیٹیٹ کیا جانا چاہیے. اچھی بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مایوسیت کے بادل چھٹیں گے اس پروجیکٹ سے؟ جی انشاءاللہ. جو لوگوں میں جو خان صاحب سے ایکسپیکٹیشنز تھی, جو ایک تھوڑا سا اس وقت لوگ میں سمجھتے لوگوں میں ملتے ہیں, ہم تو اس سے وہ گیم چینجر کہہ سکتے ہیں, اور آئینہ والے جو آپ کا الیکشن اس کے لیے ایک وننگ ٹو ون پالیسی کہہ سکتے ہیں اس لیے. تو دیکھیں, یہ ہمیں بھی نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنا مشکل کام ہوگا. نوڈو, یہ بہت مشکل کام ہے لوگوں کو گھروں کی فراہمی, کیونکہ اس میں قدم قدم پر اس طرح کی رکاوٹیں تھیں, اب بہت حد تک یہ سارے بیریئرز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ دو سالوں میں بڑا میس لیول کے اوپر نا اس کے اندر جو ہے لوگ, پرائیویٹ سیکٹر بھی آ گیا اور گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی ہے. ہماری تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی اب ہاؤسنگ کی طرف آ رہی ہیں. ان کو ٹاسک کیا گیا ہے, ٹارگیٹ دیا گیا کہ آپ نے اتنے ہزار گھر بنانے ہیں, جگہ فراہم کرنی ہے, آپ نے اتنے ہزار بنانے ہیں, یا آپ کو ایف ڈی اے ہے, جی ڈی اے ہے, ایم ڈی اے ہے, آر ڈی اے ہے, ان سب اتھارٹیز کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند ماہ کے اندر ان ساری اتھارٹیز کے زیر اہتمام بھی یہ قومی تعمیر شروع ہو جائے گی. چلے, بہت اچھی بات ہے جی. یہ تو واقعی جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں میاں محمود رشید صاحب کی باتیں ہیں, جو کہ منسٹر آف ہاؤسنگ ہے پنجاب میں. اور اس وقت ہم ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں ہم آپ کو دی شارٹ پہ. کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوگا, اس لیے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس پہ رجسٹ کر رہی ہے کہ بجلی کے نرخوں میں, گیس کے نرخوں میں اضافہ وہ پرائم منسٹر نے ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے آئی ایم ایف کے دباؤ کے ایجنڈے کو کہ ہم اس کو انہانس نہیں کریں گے. تو یہ دو سال ہمیں سب کو پرائم منسٹر نے, چیف منسٹر نے یہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ ہمیں ریکارڈ ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے, اس دفعہ پنجاب کے اندر بھی 560 ارب روپے کا
उसको हम जी वेलकम बैक नाजरीन। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, मेरे बहुत ही शफीक दोस्त और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद साहब आज मेरे साथ इस सफ़र में मौजूद है। जी मियां साहब, मियां साहब, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है जो आपने बताई है। नो डाउट हम भी फॉलोअर्स में से हम वो जनरेशन जो खान साहब को देखना चाहती थी। मियां साहब, जब आप पाकिस्तान नया पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे 2 साल बाद, तो आप क्या समझते हैं कहाँ पर पाकिस्तान होगा? वो अभी भी जो उम्मीदें हैं लोगों को, मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो हमें पिछले 2-3 साल में मुश्किलात पेश आई, ख़ास तौर पर महंगाई के मामले में, वो एकदम से इन्फ्लेशन हुई और डॉलर भी ऊपर गया, चीज़ें महंगी हुई, इसको अब हमारी अवलीन तरजीह है कि इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, हम इसमें पंजाब के अंदर तो हमने बाकायदा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए सहूलत बाज़ार वो बनाने का फैसला किया है कि तकरीबन हर यूनियन काउंसिल के अंदर 1-2 सहूलत बाज़ार होंगे रेगुलर बेसिस पर। जी, रेगुलर बेसिस पर। गुड, ये पूरा मैकेनिज्म हम बना रहे हैं कि उसमें फॉर्म फ्रेश जो है, वेजिटेबल्स, फ्रूट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो आड़ती और बाकी लोगों का किरदार भी इसे ख़त्म करके डायरेक्ट सप्लायर जो था सूबत बाज़ारों में वो चीज़ें लेके वो आए और लोगों को B2C या तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए हम कोशिश हैं। उसमें बहुत से और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई में मज़ीद इजाफा जो है वो नहीं होगा। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट भी इस पर रजिस्ट कर रही है कि बिजली के नरखों में, गैस के नरखों में इजाफा वो प्राइम मिनिस्टर ने टर्न डाउन कर दिया है IMF के दबाव का एजेंडा वो कि हम इसको एनहांस नहीं करेंगे। तो ये 2 साल हमें सबको प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने ये टारगेट दिया हुआ है कि हमें रिकॉर्ड हमारा डेवलपमेंट का बजट है इस दफ़ा पंजाब के अंदर भी 560 अरब रुपए का, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे और जो लोगों के मसाइल हैं वो सड़कों की शक्ल में हों, डेवलपमेंट की शक्ल में हों, स्कूलों की अपग्रेडेशन हो, नए हॉस्पिटल्स की तामीर हो, नई यूनिवर्सिटियों की, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ मंजर आम पर वो आ रही हैं। लाहौर के लिए स्पेशल 26 अरब रुपये का एक पैकेज था, 10 अरब रुपया मजीद हमने रखा है और यहाँ पर जो मेगा प्रोजेक्ट हैं 5-6 तो शुरू हो गए हैं जो लोगों के लिए बड़ी तकलीफ का बायस थी, जो चीज़ें उनको हम उनका अजाला कर रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2 साल के बाद जो आपने कहा ना कि 5 साल के बाद जब जा रहे होंगे, 5 साल के बाद हम कहीं नहीं जा रहे, दोबारा आने की तैयारी हो, होपफुली अल्लाह करे ऐसा हो, दीवाने का ख्वाब ना हो ये, ठीक है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो। नहीं, बाकी वो जो उम्मीदें थी ना वो अब भी लोगों से, लेकिन ये 2-4 इशूज़ है, जैसे महंगाई का इशू हो गया जिस पर आपने खुद फरमाया कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा, और स्पेशली आर्टिफिशियल ये जो महंगाई की जा रही है और हो भी रही है होपफुली। मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे चैनल एशियन ट्रेड TV के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के हम बेसिकली सॉफ्ट इमेज के लिए इंटरनेशनली काम करते हैं। तो आप हमारे व्यूज़ को कुछ कहना चाहें, अपने मिनिस्ट्री के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें यंगस्टर्स को, और खान साहब के आप कोई विजन को रखते हुए सामने तो आप दे सकते हैं प्लीज़। मैं ये समझ गया जी कि लोग मायूसी की बातें करते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त जो है वो हमारा गुजर गया और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम के साथ अपने विजन के मुताबिक बहुत बड़े मुश्किल फैसले किए और स्ट्रक्चरल चेंजेस वो लेके आए हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे और ये एक नया पाकिस्तान जो है वो आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान के लिए भी अच्छे दिन आएंगे और हाँ, सबकी गवर्नमेंट के लिए उम्मीद है, बहुत दुआएं भी हमारी है। मियाँ साहब अगेन शुक्रिया, आप के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि हमारी स्पॉन्सर कंपनी जिनका पाकिस्तान के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है, मॉडल स्टील, पाकिस्तान लार्जेस्ट स्टील कंपनी है, और उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा जो आपको हमेशा याद दिलाएगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत मियाँ साहब, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी सेगमेंट में आपके साथ। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है?
मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहां पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।